मनुष्य के अंदर परमात्मा ने बड़ी सुंदर रचना उसके ब्रेन से लेकर नीचे तक मज्जा तंतु तक एक ऑफिस सा खोल दिया है तुम्हें। अब आप कहेंगे कि श्री गणेश कौन होते हैं, श्री गणेश हैं या नहीं हम कैसे माने। ठीक बात, आपने श्री गणेश को देखा नहीं, आपने उनको जाना नहीं, आपको नहीं मानना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी अजीब सी चीज है कि जब तक आप अंदर आते नहीं आप उसको देख सकते नहीं, जब तक आप बाहर खड़े हैं आप उसको मानते नहीं। जैसे कि समझ लीजिए आप बाहर खड़े हैं और आपने हमें देखा नहीं और आप कहें माता जी को कैसे माने कि वे हैं, तो हम कहेंगे कि आप अंदर आइए तब आप देखिए, तो आप कहेंगे नहीं हमें बाहर ही जाके दिखाइए। जब उनकी सत्ता अंदर ही है तो आपको ही तो अंदर आना होगा ना। जब तक आप अंदर जाकर के देखिएगा नहीं तब तक आपको ये चीज दिखाई। तो सबसे पहले सारी सृष्टि बनाने से पहले, आदि कुंडलिनी बनाने से पहले, सारा संसार बनाने से पहले श्री गणेश जी की स्थापना की। वे स्वयं साक्षात पवित्रता के पूर्ण अवतार, वे अपने अंदर स्थित हैं, उसको देखने के लिए आपके पास चक्षु नहीं। वे अपने अंदर मूलाधार नाम के सेंटर से जहां की प्रोस्टेट ग्लैंड सराउंड करती है, जिसे हम पेल्विक प्लेक्सस के नाम से जानते हैं, उसके अंदर हरेक इंसान में प्रतिबिंबित है, जागरूक नहीं है चाहे सूखते ही हो, लेकिन वे वहां पर हैं। ये देवता ऐसी हैं कि कभी भी पूर्णतया सुप्त होती ही नहीं, जब तक मानव राक्षस न हो जाए, बिल्कुल ही राक्षस हो जाए तब तो वो वहां से लुप्त ही हो जाते हैं, नहीं तो हरेक मानव के अंदर श्री गणेश विराजते हैं। ये पहला हमारे अंदर का सेंटर है जिसे कि मूलाधार चक्र कहा जाता है। मूलाधार, आप तो सब संस्कृत के पंडित हैं, मूल माने रूट और आधार माने सपोर्ट, सपोर्ट ऑफ द रूट, रूट ऑफ दिस क्रिएशन, उसके सपोर्ट पर बैठे हैं श्री गणेश। इनको इसलिए सबसे पहले बनाया गया क्योंकि सारा संसार पवित्रता से लिपट जाए, पवित्रता में और इनोसेंस में, भोलेपन में डूबा है।